अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हम पेपर प्रिपरेशन 2022 ADP जिसे BCom पार्ट 1 कहते थे और ADC जिसे BCom पार्ट 2 कहते हैं, इसकी हम पेपर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम आज के इस लेक्चर में ADC पार्ट 2 की बात करेंगे। ADC पार्ट 2 की जो बुक हम स्टार्ट की हुई है, उस बुक का नेम है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान EOP। इसकी प्रीवियस हमने दो क्वेश्चन की वीडियोस आपको दे दी हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि आपको हमने बताया कि हम आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाएंगे और ये 15 क्वेश्चन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए है। इन तीनों यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंक्लूडेड हैं। तो आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो क्वेश्चन हमारा EOP का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन जाने से पहले आप स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये बोलें कि चैनल पर आएँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलम हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें इस चैनल से। आज का हमारा क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये क्वेश्चन आप किसी भी बुक पे चले जाएं, किसी भी बुक से उठा लें, उस बुक में ये क्वेश्चन आपको तरतीब से नहीं दिया हुआ, और ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। लास्ट 10 ईयर के पास पेपर उठा लें, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को जो बुक वाले ने एक्सप्लेन किया वो इंतहाई टफ की है। चाहे आप आगा ताहर की बुक ले लें, चाहे आप किसी और राइटर की बुक उठा लें, तो हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में करके दिया है, ताकि आप पेपर में आए इसको अटैम्प्ट करें। एक तो आपके समझने में इसको मुश्किल ना हो, दूसरा जब आप इसको अटैम्प्ट करें तो ईजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। और क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं करवाऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि आप लोग जैसे तैसे क्वेश्चन को याद तो कर सकें ना। समझाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, जहाँ पर हमने 2, 3, 4, 5 वीडियो बना लेनी है, वहाँ पर हम सिर्फ 1-2 वीडियो बना पाते हैं जब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप क्वेश्चन को देखें, हमने बहुत इजी वे में आपको क्वेश्चन बताया है, आप क्वेश्चन को स्टडी करें, उसको समझें, समझने के बाद जो हेडिंग्स आपको हमने लिख के दी हैं इन हेडिंग्स पर अमल करें, इसको याद करें, और पेपर में आपने यही लिख के आनी है। देखें, आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में अगर आपको कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में उसको बताएँ, हम उस परेशानी को आपकी को दूर करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की 2 वीडियोज़ निकालना हो तो उसको आपने YouTube के सर्च इंजन में जाके आपने ये लिखना है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान पेपर प्रिपरेशन 2022 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन का आगे नेम लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा और आगे लिख दे 2022 बाय कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग YouTube चैनल। तो आपको वो सारी वीडियोस, दोनों वीडियोज़ 2 क्वेश्चन के आपके पास सामने आ जाएंगी। पिछले 2 क्वेश्चन जो हमारे थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे थे, उसके हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन 2 क्वेश्चन का बिल्कुल सेम था, वो हमने आपको बता दिया। वीडियो 1 में आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बता दिया, आप वीडियो 1 को सर्च कर सकते हैं। आज वीडियो 3 में प्राइवेटाइजेशन का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपके सामने है। देखें, प्राइवेटाइजेशन का इंट्रोडक्शन डिफरेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ ओरली, आपने इसको स्क्रीन शॉट लेके इसको याद कर लेना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जैसे BAPTA है, PIA है, इस तरह के जो अदारे हैं, इनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, इनको प्राइवेट कर दिया, मतलब इसको आम जनरल पब्लिक को सेल आउट कर दिया जाए, ताकि अगर इस सेक्टर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आम आवाम उसमें जब अपना पैसा लगाएगी तो उसको इम्प्रूव कर देगी, उसकी मतलब वर्किंग को इम्प्रूव कर देगी, वर्किंग को बढ़ा देगी। जो सेक्टर बैक जा रहा था, बैकवर्डनेस पे था, वही सेक्टर आपका प्रोग्रेस करना शुरू हो जाएगा। ये है इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन में मैंने आपको डेफिनेशन 2 लिख के दी है, आपने भी पेपर में 2 लिख के आनी है। अब इसके मेरिट्स आपके सामने ये हैं, मैंने 12 मेरिट्स आपको लिख के दिए हैं। मेरिट्स से मुराद ये है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट अपना कोई भी इदारा जो है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसको प्राइवेटाइजेशन
प्राइस कर देता है, मतलब आम जनरल पब्लिक को सेल कर देता है, तो उसमें क्या उसके मेरिट्स क्या क्या है? उसके मेरिट्स ये हैं कि आम जनरल पब्लिक का उसके में इंटरेस्ट आ जाता है, लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग ये सोचते हैं हाँ यार अब हमने इसको ख़रीद लिया। जैसे फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं PIA को ख़रीद लेता हूँ, अब PIA क्या है, एक मतलब बिल्कुल लो लेवल की एयरलाइन बन गई है। फ़र्ज़ करें अगर मैंने ख़रीद लिया या आप में से किसी ने ख़रीद लिया, तो हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अंदर उस चीज़ के ऊपर पैसा लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि PIA को हम दोबारा उसी तरक्की पे ले जाएं जिस तरक्की पे वो पहले थी। ये तो हो गए इसके मेरिट्स। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स इसके क्या हैं, देखिए जब गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट जो है उसको प्राइवेटाइज कर देगा, मतलब अपनी मलकियत से दूसरे की मलकियत में भेज देगा, तो उसको तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना, गवर्नमेंट की क्या नाम है, गवर्नमेंट के पैसे कम होंगे, गवर्नमेंट की जो आमदनी बढ़ रही थी वो कम होगी, गवर्नमेंट की जो इंटेग्रिटी थी, इंटेग्रिटी मीन्स होता है गवर्नमेंट की जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ था गवर्नमेंट का, कि लोग ये जानते थे, जैसे PIA पाकिस्तान एयरलाइन है, मतलब पाकिस्तान मीन्स गवर्नमेंट की एयरलाइन है, यही कोई जनरल पब्लिक का बंदा उसको खरीद लेगा तो वो अपना नेम रखेगा, इससे फिर पाकिस्तान नहीं प्रमोट हो सकेगा, ये भी फिर गवर्नमेंट को एक डीमेरिट इसका। इसी तरह मैंने आपको डीमेरिट एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप काइंडली स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि आप स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लास्ट में आप स्टूडेंट्स से गुजारिश ये है कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, और ये चैनल 2022 ADC पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माइक पाली यार।